जनपद बलरामपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सदर विकास खंड के उदयपुर गांव में आयोजित चौपाल में लघु सिंचाई के लाभार्थियों और जल जीवन मिशन से जुड़े कर्मियों से संवाद किया। उन्होंने राप्ती नदी के कटान से गांव को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर अधिकारियों से बात की। उन्होंने ग्रामवासियों से वार्ता कर पेयजल योजना के तहत नल कनेक्शन कितने घरों में मिल गया इसकी जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में 12 करोड़ 37 लाख परिवारों को नल का कनेक्शन दिया गया है। सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए 12 करोड़ किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी ग्रामवासी अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें एवं गाय जरूर पालें। हमारे सामने चुनौती बाढ़ का है। हमारे राज्य के अंदर 265 योजनाएं लगभग बाढ़ की चल रही है। लगभग 150 की आसपास की परियोजना हम 100% के ऊपर, लगभग बाकी परियोजना भी 75 के ऊपर, मैं खतरे के ऊपर सभी हमारी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। पूरा प्रयास है, माननीय योगी जी भी 10 बार बैठक ले चुके होंगे, कई बार बैठक लेते हैं, बाढ़ से किसी किसान को हानि ना हो, गाँव को हानि ना हो, गरीब को हानि ना हो, इसलिए हम लोग रात दिन लगे हैं। और लगभग बरसात के समय हम लोग सड़क पर ही रहेंगे, अधिकारी कर्मचारी और प्रशासन के भी सभी लोग, किसी प्रकार की बाढ़ की स्थिति देखते हुए भारी वर्षा के कारण जो दूसरे राज्यों में वर्षा हो रही है तो उत्तर प्रदेश उस वर्षा से प्रभावित न हो, इसलिए हम लोग रात दिन लगे हैं।